कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। गुड मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके लिए बेटे बेसिक कंसेप्ट लेकर आया। आज हमारा लास्ट लेक्चर है बेसिक कंसेप्ट को लेकर, टोटल देखें तो फिफ्थ लेक्चर है आज। पहले दो लेक्चर मैंने आपको बताया सिलेबस और आपके कैरियर के लिए, फिर मैंने तीन लेक्चर्स कराए बेसिक कंसेप्ट को बताने के लिए, और लास्ट दो लेक्चर्स में बेटे मैंने आपको फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बताया, सिस्टम के बारे में बताया, सेविंग्स के बारे में बताया, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताया, फ्लो ऑफ फंड्स के बारे में बताया, रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताया। मैंने आपको बड़ी सारी ऐसी छोटी छोटी बातें बताई, और आज मैं एक खुलासा करूंगा दोस्तों, और आज जो भी चीज मैंने अभी तक बताई है उसकी आज मैं जो भी बताऊंगा उसका उसके साथ रिलेशनशिप कायम करूंगा। देखिए, गूगल से आप इंफॉर्मेशन तो ले सकते हैं, लेकिन सभी इंफॉर्मेशन को कैसे रिलेट करना है ये गूगल से भी नहीं होता बेटे, इसके लिए दिमाग चाहिए। तो मैं आज आपको फाइनेंशियल सिस्टम, उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स, उसकी उसकी बेसिक एक्टिविटीज, उसकी कैपिटल मार्केट की एक्टिविटीज, मनी मार्केट की एक्टिविटीज, ये सारी हमने एक्टिविटीज देखी। एक कैपिटल मार्केट में दो मार्केट्स को देखा, एक प्राइमरी मार्केट एक सेकेंडरी मार्केट। बेटा कैपिटल मार्केट में मुख्य तौर पर दो एक्टिविटीज होती है, एक इशू और एक ट्रेडिंग। इशू में देखा कि बेटे प्राइमरी मार्केट है, पहली बार इशू हो रहा है, पहली बार। सेकेंडरी मार्केट, आप ये बताइए इतने सारे इंटरमीडियरीज देखे हमने। मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल सिस्टम के तीन पिलर्स हैं, तीन कंपोनेंट्स हैं, एक फाइनेंशियल मार्केट, एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और तीसरा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, और इतने सारी एक्टिविटीज। कभी आपको मालूम है कि एक कंपनी जब पब्लिक इशू के लिए आती है, पब्लिक ऑफर के लिए आती है, तो कितनी सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, कितने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट एक आम आदमी, एक मैंगो पीपल, उसकी मेहनत के पैसे बेटे उसकी जेब से निकल कर किसी दूसरे की जेब में चले जाएंगे। बेटे वो ऐसा आदमी जो सुबह 8 बजे अपने घर से निकलता है, मेट्रो में बैठता है, धक्के खाता है, सीट नहीं मिलती, 1 घंटे बाद अपने ऑफिस पहुंचता है, वहां पर अपने एम्प्लॉयर की बातें सुनता है, बड़ी मेहनत करता है, और 6 बजे फिर ऑफिस से निकलता है, फिर मेट्रो में बैठता है, बेटे 7 बजे सब्जी का बहुत बड़ा थैला सा लेकर सब्जी लेने जाता है, और जब घर पहुंचता है तो इतना थक चुका होता है बेटे कि उसको अपना घर भी ध्यान नहीं रहता कि घर कहाँ है, वो साथ वाली राम प्यारी के घर चला जाता है। बेटे एक ऐसा आदमी जिसने अपना पेट काटा, उसने कुछ 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 पैसों को बचाया, सेव किया, और एक दिन उसे पता चलता है कि कंपनी का पब्लिक इशू आ रहा है, उसने वो अपनी मेहनत के पैसे इन्वेस्ट किए। अब आप ये बताइए, जब वो इन्वेस्ट करता है और किंगफिशर एयरलाइन जैसा अगर हादसा हो जाए, सत्यम कंप्यूटर्स, सहारा इंडिया, लेमैन ब्रदर्स, बेटे कोई चीज छुपी नहीं है, आप गूगल में जाकर चेक करें और डाले फाइनेंशियल फ्रॉड्स, तब आपको पता चलेगा इस दुनिया में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में कितने फ्रॉड्स हो चुके हैं। और आप सोचिए, अपने आप को उस जगह में रख के सोचिए कि अगर आप उस मैंगो पीपल की जगह होते, आपके मेहनत के पैसे होते, और आपको एक दिन पता चलता कि वो कंपनी का डायरेक्टर विजय माल्या जैसे भाग गया है, बेटे देश छोड़ गया है और वो कंपनी खत्म हो गई है, बेटे आप जीते जी मर जाते, हार्ट अटैक हो जाता। आपने महाराष्ट्र बैंक का देखा है बेटे, कितने लोगों को हार्ट अटैक हो गया, कितने मर गए जिन्होंने अपनी मेहनत के पैसे उस बैंक में डिपॉजिट किए थे, और जब घोटाला निकला तो मर गए। बेटे ऐसे ही हमारे देश में और पूरे पूरे वर्ल्ड में, हर कंट्री में बेटे फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए। आप ये बताइए, अगर इन एक्टिविटीज को रोका नहीं गया, इन एक्टिविटीज की के लिए रूल्स नहीं बनाए गए, इन एक्टिविटीज के लिए प्रोसीजर्स नहीं बनाए गए, इन एक्टिविटीज के लॉस नहीं बनाए गए, तो बेटे जो जब मर्जी जैसा मर्जी अपने आप करेगा, और एक कॉमन आदमी मरता ही चला जाएगा, मिडिलमैन कहीं का नहीं रहेगा। उस मिडिलमैन के विश्वास को जगाने के लिए बेटे कहते हैं, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारता।
जब जब धर्म की हानि हुई तब तब सृजा में हम धर्मस्य अभ्युत्थानम, दोबारा से धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार हुआ। सतयुग देख लीजिए, त्रेता देख लीजिए, द्वापर देख लीजिए, और कलयुग शुरू होना था तो महाभारत देख लीजिए। इस दुनिया में जब जब अधर्म हुआ, जब जब प्रॉब्लम आई, जब जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जब जब फाइनेंशियल स्कैम्स हुए, बेटे बेटे उसको उसको कंट्रोल करने के लिए रेगुलेशंस आई, एक्ट्स बने। इसी तरह से बेटे आप ये बताइए, कैपिटल मार्केट की इतनी सारी एक्टिविटीज हो रही है, इतना सारा पैसा फ्लो हो रहा है पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में, मनी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, इनिशियल पब्लिक ऑफर में, प्राइवेट प्लेसमेंट में, स्टॉक एक्सचेंज में, बाइंग में, सेलिंग में, इंटरमीडियरीज, इंस्टीट्यूशंस, बेटे इन सबको कंट्रोल करना है, तभी हम कह सकते हैं कि हमारा एफिशिएंट फाइनेंशियल सिस्टम है, तभी हमारी जीडीपी बढ़ेगी बेटे, तभी मेरी करेंसी स्ट्रांग होगी और तभी मेरे देश का नाम रोशन होगा, मेरा भारत महान। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए हमने सिक्योरिटीज लॉस का जन्म कर दिया, अलग अलग तरह के एक्ट बनाए, जब जब जरूरत फील हुई, जब जब हमें लगा कि ये होना चाहिए, हमने उसको वैसा वैसा नया लॉ बनाया, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास कराया और एक बड़े बड़े पापा बना दिए, खूंखार बेटे, उनका नाम डाल दिया सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पहले कैपिटल इश्यू कंट्रोल एक्ट था, अभी देखेंगे। उसके बाद 1991 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस समय ग्लोबलाइजेशन की बात हुई, फ्री इंडिया की बात हुई, फ्री वर्ल्ड की बात हुई, लिबरलाइजेशन की बात हुई। तो बेटे जो कैपिटल इश्यू कंट्रोल एक्ट था वो इतनी ज्यादा नीड्स पूरी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हम बात कर रहे थे ग्लोबलाइज की। तो बेटे उस समय एक नया एक्ट आया और उस ईयर की हमने बात की, सेबी एक्ट 1992। बड़ा खूंखार है बेटे सेबी एक्ट, ये मदद करता है, जैसे स्पाइडरमैन होता है ना बेटे, जैसे कुछ मूवीज में आपने देखा होगा कि एक हीरो गुंडे का काम करता है, लेकिन वो गुंडा क्या करता है, जो बदमाश लोग होते हैं उनको मारता है, उनका पैसा आम आदमियों को बांटता है और आम आदमियों का ध्यान रखता है। इसी तरह से सेबी बेटे नया एक्ट आया, उसने क्या किया, जो कंपनी गलत काम कर रही है, जिसने गलत पैसे लिए, जो हेराफेरी कर रही है, उसको दबोचा अपने पंजों से, उस पर पेनल्टीज लगाई, जैसे सहारा पे पेनल्टी लगाई, उसके एमडी को जेल पहुंचा दिया, और वो पैसा उन लोगों को दिया जिन बेचारों ने मेहनत कमके से उन पैसों को कमाया था। तो बेटे आज का ये लेक्चर मैं मानूंगा कि आपको बड़ा जबरदस्त एक एक इंसाइट देके जाएगा और आपको ये बता के जाएगा व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ सिक्योरिटी लॉज, सिक्योरिटी लॉज की जरूरत क्यों है यार। आइए भूपेश आनंद के साथ चलिए, रजिस्टर खोल लीजिए मेरे बेटे, रजिस्टर खोलना पड़ेगा आज, लिखना पड़ेगा बेटे। मैंने लिखा है बेसिक कंसेप्ट लेक्चर 3, वैसे देखें तो शुरू से पांचवा लेक्चर है, बेसिक कंसेप्ट लेक्चर 3 है। मैंने बात की थी सबसे पहले सेविंग्स की, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था सेविंग्स क्या होती है, जो पैसे आपके गुल्लक में, जो पैसे आपके पिगी बैंक में, जो पैसे आपने चावलों में, जो पैसे आपने घर में, जो पैसे आपने अलमारी के अखबार के नीचे छुपा के रखे हैं, घर में ही है, उसको बोलते हैं सेविंग्स। और कभी भी कोई कंट्री भी डेवलप कर ही नहीं सकती जिस कंट्री के सिटीजंस सेविंग्स ज्यादा करते हैं। सेविंग मतलब सेविंग करना अच्छी बात है, लेकिन वो सेविंग से इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफॉर्म नहीं करते, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी मेरे दोस्त। तो पहली बात मैंने बताई थी सेविंग्स की, फिर मैंने बताई थी सिस्टम की, फिर मैंने बताया था फाइनेंशियल सिस्टम का, फिर मैंने बताया था 3 pillars ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, और फिर मैंने फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की बात की थी। बेटे बेटे आप ये बताओ, मैं आज ये लेक्चर आपके सामने YouTube के माध्यम से लेकर आ रहा हूं, तो YouTube एक माध्यम है, YouTube एक इंटरमीडियरी का काम कर रहा है, YouTube एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, किस लिए, आपके और मेरे बीच में बेटे YouTube एक 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 इंटरमीडियरी का काम कर रहा है। मैं अपनी बातें, अपना लेक्चर, अपना सिस्टम, अपनी बॉडी लैंग्वेज या अपने समझाने का तरीका बेटे आपको बता सकता हूं अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में। आपको अच्छा लगेगा तो आप मेरे पूरे लेक्चर्स परचेज करेंगे, तो मैं कहूंगा YouTube इज अ माध्यम। सिमिलरली बेटे जब तक ये इंटरमीडियरीज नहीं होंगी, इन्वेस्टर और बोरोअर के बीच में गैप रह जाएगा, उस गैप को भरने के लिए हमें मर्चेंट बैंकर्स चाहिए, हमें रजिस्ट्रार्स टू द इश्यूज चाहिए, हमें ब्रोकर्स चाहिए, हमें 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 बेटे बीच की बड़ी सारी इंटरमीडियरीज चाहिए, हमें बैंकर्स चाहिए,
तभी तो जाकर हम ये गैप पूरा कर पाएंगे। तो बेटे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की जरूरत है, अंडरराइटर्स की जरूरत है। अब आप खुद सोचिए कि एक आईपीओ में इतनी सारी एक्टिविटीज हो रही है, इतने सारे इंटरमीडियरीज हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, क्या कोई रूल्स होने चाहिए? आप एक सड़क में चलते हो ना बेटे, तो उसके भी रूल्स हैं। आजकल हमारी दिल्ली में ट्रैफिक रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आपने रेड लाइट पार कर ली तो 1000-2000 का चलान है। आप ये बताइए क्या एक सोसाइटी में बेसिक एथिक्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आप सड़क क्रॉस कर रहे हो और आपके सामने एक ओल्ड एज आपके साथ है, आपको क्या उनका हाथ पकड़ के आपको सड़क क्रॉस करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? बेटे करानी चाहिए, दीज आर बेसिक एथिक्स। इसी तरह से मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप ठीक तरह से टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना चाहिए, नहीं बैठ पढ़ना चाहिए। अभी भी कुछ बच्चे लेट के पढ़ रहे हैं, अरे धिक्कार है ऐसे जीवन को, जो पढ़ते समय लेट रहा है, जो लिख नहीं रहा, थप्पड़ मारो खींच के। बेटे बेसिक एथिक्स होंगे, इस दुनिया को चलाने के लिए बेसिक एथिक्स है। आपका पोलाइट होना, आपका हम्बल होना, आपका पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट करना, आपका हेल्पफुल नेचर होना, बेटे तभी आपकी ग्रोथ है। तो दीज आर द बेसिक एथिक्स, दीज आर द बेसिक रूल्स, दीज आर द बेसिक एक्ट्स। इसी तरह से बेटे बेटे पूरी कंपनी, जो कंपनी है, अगर उसने उसने कैपिटल मार्केट में शेयर्स इशू किए हैं, इसका मतलब वो पब्लिक कंपनी है, इसका मतलब वो लिस्टेड कंपनी है, तभी हो सकती है। और उसके शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे रिलायंस, जैसे जैसे रिलैक्सो, जैसे फेविकोल, जैसे डाबर, जैसे पतंजलि। बेटे इन सबके शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। पतंजलि मैंने ऐसे एग्जाम्पल दे दिया, मैं जस्ट बता रहा हूं कि अगर वो कंपनी पब्लिक कंपनी है और उसने शेयर्स लिस्ट किए हैं और अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में एनलिस्ट कराया है, तो बेटे आप ये बताइए बताइए उसकी जितनी एक्टिविटीज है रेगुलेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो बेटे जन्म हुआ किसका, किसका जन्म हुआ बेटे? सिक्योरिटी लॉस का। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको ये बताना है कि पिछले दो लेक्चर्स की जरूरत थी आज का लेक्चर। तो देखिए जी, मैंने लिखा एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, यूट्यूब, एमआरएफ, आईएएस, ब्रोकर, दिस 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 दिस। तो मैं आ गया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार बेटे एक बार आप हर्षद मेहता विकिपीडिया में जाकर तो देखें। मैं इस समय ऑनलाइन हूं, हर्षद मेहता के समय शायद आपका जन्म हुआ भी नहीं होगा। बेटे 1996 के आसपास ये बड़ा जबरदस्त ब्रोकर था, सब ब्रोकर था, और उसने बड़ा जबरदस्त स्कैम किया। देखिए हर्षद मेहता वाज एन इंडियन स्टॉक ब्रोकर वेल नोन फॉर हिज वेल्थ एंड फॉर हैविंग बीन चेज्ड विद न्यूमेरिक फाइनेंशियल क्राइम्स। बेटे अगर क्राइम्स हो गए तो बेटे एक आम आदमी कहां जाएगा? बेटे इसको कंट्रोल करने के लिए आप देखिए इसको पूरा घर में पड़िएगा। सत्यम का स्कैंडल हुआ हमारे देश में, सत्यम मोटोकॉर्प उसका मैनेजिंग डायरेक्टर ने धांधलेबाजी की। तो बेटे आप ये बताइए जो काम आम आदमी है, जो इतनी मेहनत कर रहा है, जिसके पैसे इन्वेस्टेड है, उसका विश्वास अगर खत्म हो गया तो वो कभी इन्वेस्ट नहीं करेगा। घर में पैसे सड़ दे जाएंगे लेकिन बेटे इन्वेस्ट नहीं करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। इसीलिए सेबी का जन्म हुआ। और सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन करना, इन्वेस्टर की मोटिवेशन करना, इन्वेस्टर को एजुकेट करना। आप एडवर्टाइजमेंट देखिए ना यूट्यूब में, टीवी में देखिए, सेबी का एकमात्र उद्देश्य यही है। तो बेटे सत्यम के स्कैंडल हुए, हर्षद मेहता के स्कैंडल हुए, अभी मैं क्यों दिखा रहा हूं? बेटे लेमन ब्रदर्स अमेरिका में हुए, मैं दिखा कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमने रूल्स नहीं बनाए, अगर हमने बातें नहीं की, तो फिर होगा क्या? बेटे बेटे यही होगा जो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एक बार देखिए, ये भगवान कृष्ण का बिगुल है, ध्यान से देखिएगा, सुनना ध्यान से, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि हुई, ग्लानि भवति भारत, भारत में जब जब धर्म की हानि हुई, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। बेटे मैं इस वीडियो से जो अभी आपको दिखाया है, ये बस बताना चाहता हूं
कि जब जब घर की हानि हुई, जब जब स्कैम हुए, जब जब क्राइसिस हुए, जब जब स्कैंडल पकड़े गए, बेटे नए एक्ट का, नई रेगुलेशन का जन्म हुआ, इसलिए सिक्योरिटीज लॉस बने। तो आज मैं भूपेश आनंद आपको यही बताने जा रहा हूं कि हमें कौन से लॉस करने हैं, क्या करना है, कैसे करना है। आइए दोस्त, आइए आइए मेरे दोस्त, आइए मैं भूपेश आनंद आपको ये बताने जा रहा हूं कि आज का लेक्चर आपकी लाइफ को बदलने वाला है। बेटे बेटे आज मैं 19th पॉइंट से शुरू करूंगा, बिल्कुल करूंगा, मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। बेटे मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताने हैं, बताने हैं, बताने हैं। और बेटे बेसिक कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 3 आज से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब 5 लेक्चर की श्रृंखला आज खत्म हो जाएगी और अब हम नए चैप्टर्स करने शुरू करेंगे। आइए, व्हाई कैपिटल मार्केट्स आर टू बी रेगुलेटेड। अब तो आंसर मिल गया होगा कि व्हाई दीज आर टू बी रेगुलेटेड। इन ऑर्डर टू रेगुलेट ट्रांजैक्शंस, मार्केट कितने बजे खुलती है? 9 बजे। और ट्रेडिंग कितने बजे स्टार्ट होती है? 9:15 पे। बंद कब होगी? 3 बजे। उसके बाद 3:30 से 4:30 क्या हुआ, सब कुछ रेगुलेट है। अगर कोई कंपनी पब्लिक इशू लेकर आ रही है, इशू कब खुलेगा, इशू कब बंद होगा, बैंकर्स कौन होंगे, रूल्स क्या होने चाहिए, रेगुलेशंस क्या होनी चाहिए। बेटे आप ये बताइए, जब भी कंपनी आई तो कंपनी एक्ट का जन्म हुआ, जब दो कंपनीज कॉम्पिटिशन में आई तो कॉम्पिटिशन एक्ट आ गया, जब एक कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो इनकम टैक्स आ गया, जब एक कंपनी ने फॉरेन ट्रांजेक्शन की तो FEMA आ गया, जब 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 एक कंपनी ने सेल की, सर्विसेज दी, तो GST का जन्म हुआ। इसी तरह से अगर एक कंपनी शेयर्स, सिक्योरिटीज लिस्ट कराती है, इशू करती है, ट्रेड करती है, तो सिक्योरिटीज लॉस का जन्म हुआ। आज वही बात आ रही है, इन ऑर्डर टू रेगुलेट मार्केट ट्रांजेक्शंस, हाउ टू बाय, हाउ टू सेल, हाउ डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी शुड बी देयर, व्हाट इज द डेट ऑफ क्लोजर, इन सभी बातों का उत्तर देने के लिए हम सिक्योरिटीज लॉस को अब पिक्चर में लाने वाले हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक सोसाइटी में नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, एथिक्स होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जैसे ट्रैफिक सिस्टम होता है, जैसे वॉक करने का एक रोड में चलने का मेथड होता है, बिल्कुल उसी तरह से बेटे जब एक लड़का और एक लड़की जब आपस में शादी करते हैं तो क्या लगता है, एग्रीमेंट होता है? बेटा कुछ एथिकल रूल्स आर टू बी फॉलो, कुछ लॉज होते हैं। बेटे हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि 7 फेरे लेने चाहिए अग्नि से, 7 जन्म होते हैं, तो भी उनकी मान्यताएं हैं। तो इसका मतलब जब एक लड़का और एक लड़की आपस में विवाह कर रहे हैं, एक दूसरे के बंधनों में बंध रहे हैं, तब भी तो लॉ एप्लीकेबल है, तब भी तो एथिक्स एप्लीकेबल है। तो जब इतने बड़ी एक्टिविटीज हो रही है कैपिटल मार्केट के अंदर, एक 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 ऐसा इंसान जिसने पूरी जिंदगी मेहनत में लगा दी और एक ऐसी कंपनी जो बिजनेस एक्टिविटीज कर रही है, उन सबको रेगुलेट करने के लिए सिक्योरिटीज लॉस होने चाहिए। मैंने कहा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है बेटे, हमारे कॉन्ट्रैक्ट, जनरल कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करने के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस है, टैक्स है, इवन ICSI मैंने लिखा, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इज गवर्न्ड बाय एक्ट, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 एंड द रेगुलेशंस। इसका मतलब ये पूरी कायनात, मेरा पूरा ब्रह्मांड, सोलर सिस्टम बेटे एक एक एक्ट से चल रहा है, एक रूल से चल रहा है। तो आइए मैं भूपेश आनंद आपके सामने आज सिक्योरिटी लॉस की बात करूंगा। सिक्योरिटी लॉस का मतलब है लॉस, रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स, रिक्वायरमेंट्स और प्रोसीजर्स। तू बेटे लिखना है, एक बच्चा ढीला पड़ रहा है? नहीं बेटे, 5-10 मिनट की क्लास रह गई है, ढीला नहीं पड़ना। आज जन्म हुआ है सिक्योरिटीज लॉस का। बेटे आज बर्थडे मनाना है, ढीले क्यों पड़ रहे बेटे, कमर सीधी करके बैठो। इन ऑर्डर टू इन रिलेशन टू इश्यू एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज इन सिक्योरिटी और कैपिटल मार्केट, दीज लॉस आर नेम्ड एज सिक्योरिटी लॉस। आइए आइए मैं आज एक बात ये कहना चाहता हूं कि अगर आप एक ऐसे टीचर से पढ़ रहे हैं सिक्योरिटी लॉस जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में नहीं पढ़ाता, तो आप बहुत बड़ी चीज एक मिस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेटे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और सिक्योरिटी लॉस का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे सनस्क्रीन लोशन और सन का होना डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसका मतलब जब ज्यादा गर्मी होती है तो सन क्रीम लोशन, सन लोशन ज्यादा बिकता है। जैसे रेनफॉल का होना और रेनकोट का बिकना, बेटे रेनफॉल ज्यादा होगी तो रेनकोट ज्यादा बिकेंगे,
जैसे गर्मी ज्यादा होना और एसी का चलना, एसी का बिकना हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, बट विंटर्स एंड एसी डोंट हैव रिलेशनशिप। इसी तरह से बेटे, अगर आप मुझे बताइए सिक्योरिटी लॉस के साथ साथ अगर आपको कोई बता दे कि इस चैप्टर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम ये करते हैं, जैसे सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बेटे एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चैप्टर 8 या 9 है, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप यहां पर है। और उसकी एंट्रीज कैसे पास करते हैं, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में है। तो बेटे सोने पे क्या, ट्रिपल सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपको सिक्योरिटीज लॉस पता चलेंगे, उसकी लिंकिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पता चलेगी, उसकी लिंकिंग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पता चलेगी कि एंट्रीज कैसे पास करते हैं शेयर्स की, बायबैक की, प्राइवेट प्लेसमेंट की, डिबेंचर्स की, रिडेम्पशन की, गाइडलाइंस क्या होती है, बायबैक के कितने नॉर्म्स है उसको प्रैक्टिकली कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में करेंगे। सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में प्रैक्टिकली एक फाइनेंस मैनेजर, एक पोर्टफोलियो मैनेजर कैसे सिक्योरिटीज को एनालाइज करता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं, इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होता है, इंडस्ट्री एनालिसिस क्या होता है, उसके लॉस क्या है। बेटे आप समझ रहे जो मैं कहना चाह रहा हूं, तो आप प्लीज सेक 22nd पॉइंट में इनका लिंक लिखें। मैं आ गया जी सिक्योरिटीज लॉस में। नो डाउट कंपनीज एक्ट 2013 आपने ग्रुप 1 में किया हुआ है, मुझे पता है, हम इतना ज्यादा तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कंपनीज एक्ट में जो इश्यू और ट्रेडिंग के ऊपर कुछ प्रोविजंस हैं, हम सिक्योरिटीज लॉस वाले सब्जेक्ट में कंपनीज एक्ट की खाली वही प्रोविजंस करेंगे जो इश्यू एंड ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज से रिलेटेड है। तो मैंने सिक्योरिटी लॉस में कंपनीज एक्ट 2013 का नाम भी लिखा है, लिखना है। सेकंड बेटे, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, बेटे हमें 3 एक्ट करने हैं और 11 रेगुलेशंस करनी है। 3 एक्ट में पहला एक्ट है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, उसके बाद बड़े बड़े पापा सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, और उसके बाद डिपॉजिटरी एक्ट। बेटे तीनों एक्ट हम करेंगे और बड़ी ईमानदारी से इनको आज समझेंगे, थोड़ा सा तो समझेंगे। अब मैं आ रहा हूं मेन मुद्दे पे कि ये जो सिक्योरिटीज लॉस का हम पेपर कर रहे हैं ये कौन सी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। बेटे आप मुझे एक चीज बताओ, आप कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हो, एक बच्चा कहता बनने वाले हो, बेटे मैं तो मानता हूं बन ही गए, जो आपका ड्रीम है उसको अपने सामने रखिए और मानिए कि वो हो चुका है हकीकत में, और उसमें खुशी लेके आइए, चेहरे पे वैसी मुस्कुराहट लाइए। मैं तो कहता हूं एक मूवी देखिए द सीक्रेट। बेटे एक मूवी बड़ी इंपॉर्टेंट है द सीक्रेट, वो बताती है कि किस तरह से आप विजुअलाइजेशन करके आप सारी चीजें इस कायनात की हासिल कर सकते हो। मैंने पता नहीं कितनी बार देख ली द सीक्रेट। तो मैं भूपेश आनंद आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप जब क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे तो क्या आप एक प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहेंगे? क्या आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहेंगे? मुझे पता है आपका आंसर क्या है, आप एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे, ग्रुप कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे। तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि सिक्योरिटी लॉस कहां पर एप्लीकेबल है। लिस्टेड कंपनी आपको पता है कौन सी होती है, मैंने बता दिया। आइए एक बार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लिख रहे हैं समय, नंबरिंग को छोड़ दीजिए, 24 नंबर छोड़ दीजिए, आप नंबर 2 डाल लीजिए, क्या हो गया उसमें। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी लॉस में मैंने लिखा कंपनी, कंपनी दो होती है बेटे, प्राइवेट कंपनी या वन पीसी, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, एक ही बात है, मैंने उसको इसी में लिखा। पब्लिक कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट, मैंने कहा इज अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, आपको पता नंबर ऑफ शेयर्स कितने होने चाहिए, वो सब मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हमने कंपनीज एक्ट में किया हुआ है। लिस्टेड और अनलिस्टेड, बेटे लिस्टेड में कहूंगा इंफोसिस, जिस कंपनी के शेयर्स मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड, बाय सेल हो रहे हैं, मैं कहूंगा दैट कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी। और बेटे अनलिस्टेड कंपनी, पब्लिक तो है लेकिन अनलिस्टेड है, जैसे सहारा। तो ये सारी कंपनीज जो है बेटे मैं कहूंगा अनलिस्टेड है। आपको जान के बड़ी अच्छा लगेगा क्या कि सिक्योरिटी लॉस इज ओनली एप्लीकेबल टू लिस्टेड पब्लिक कंपनीज। आइए आइए ये चार्ट बना डालिए और देखिए इसकी एप्लीकेबिलिटी कहां है। बेटे एप्लीकेबल कहां पर है, पब्लिक कंपनी में, पब्लिक कंपनी लिस्टेड अनलिस्टेड, कंपनीज एक्ट बेटे प्राइवेट को भी एप्लीकेबल है, अनलिस्टेड को भी एप्लीकेबल है, लिस्टेड को भी एप्लीकेबल है, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन सिक्योरिटीज लॉस आर ओनली एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनीज। कुछ केसेस में अनलिस्टेड सारा में एप्लीकेबल है, मैं बताऊंगा कब एप्लीकेबल है, अभी उस डिटेल में नहीं जा रहा। लेकिन आप प्लीज फ्लो चार्ट बनाए, आप समझदार होंगे जब साथ साथ नोट कर रहे हैं। इतना मैं बता दूं आपको,
और आप बेवकूफ होंगे जो खाली मेरी बातों को सुन रहे हैं। आइए आइए लिस्टेड कंपनी के बारे में आप सबको बताएं, इसलिए मैंने लिखा नहीं, फिर भी दो तीन लाइनें मैंने अपने हाथ से लिख डाली। A company whose shares are traded in a stock exchange and in India, National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange are named as listed company. बस यही लिखा बेटे, देख लो। Public company whose shares are listed in a stock exchange for buying selling purpose are named as listed company. National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange, Reliance, MRF, Infosys, Videocon. ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आपको पहले लास्ट लेक्चर में बता भी दिया था स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है। इट इज अ इनटेंजिबल मार्केट, आई विल से आई कैन नॉट टच इट, मैं इस पेन को टच कर सकता हूं, इट इज अ टेंजिबल। बट बेटे एक हीरो एक हीरोइन के बीच में जो प्यार है वो टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं। इसी तरह से स्टॉक एक्सचेंज कैपिटल मार्केट इज अ इनटेंजिबल मार्केट, इट इज अ वर्चुअल मार्केट इन विच बायर एंड सेलर इंटरैक्ट एंड दे वॉन्ट टू बाय और सेल, दे हैव सम कमर्शियल ट्रांजेक्शन। तो मैंने लिखा व्हाट इज अ स्टॉक एक्सचेंज, फिर अमेज़न और ओएलएक्स का एग्जांपल दिया। अमेज़न एक प्लेटफॉर्म है, इसी तरह से स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जहां पर बायर और सेलर अपने शेयर्स अपनी सिक्योरिटीज सेल कर सकते हैं। और बेटे सिक्योरिटीज जब होती है सेल होती है तो अलग से हम इसको स्टॉक एक्सचेंज में बोलते हैं। आइए मेहरबान कंपनीज एक्ट, मैं अब चारों एक्ट की बात कर रहा हूं। मैं पहले चाहता हूं कि आप इस चित्र को बना डालिए, यह चित्र है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बेटा लिखिए मेजर रेगुलेशंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। अब आपको समझ आ गया कि सिक्योरिटीज लॉस कहां एप्लीकेबल है, तो अब हमें देखना है कि हमें करना क्या गया इसमें। बेटे एक तो हम करेंगे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 का, ये नीचे लिखा हुआ है। फिर हम करेंगे सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 का, अभी हम देखेंगे थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर हम करेंगे आरबीआई की बातें करेंगे, फिर हम डिपॉजिटरी एक्ट देखेंगे, उसके बाद बेटे कंपनीज एक्ट में खाली इश्यू एंड ट्रेडिंग की प्रोविजंस देखेंगे। 11 रेगुलेशन बेटी, बड़ी खूंखार रेगुलेशंस है कुछ। इनसाइडर ट्रेडिंग तूफानी रेगुलेशन, एलओडीआर लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर तूफानी रेगुलेशन, लिस्टिंग एग्री रेगुलेशन, डीलिस्टिंग प्रोविजंस, बेटा सब डिस्कस करेंगे। आप बस इस चार्ट को बना डालिए, फिर देखिए मैं कमाल कर दूंगा सिक्योरिटीज लॉस एंड कैपिटल मार्केट। आइए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में मेजर रेगुलेशंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। तो मैं भूपेश आनंद ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप ये फ्लो चार्ट बना रहे हैं, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। बेटे ये ईमानदारी से आप इसको नॉर्मल यूट्यूब का लेक्चर मत मानना, मेरी भावना है कि आप पास हो जाए। आइए आइए मैंने फॉर्मेलिटी के लिए ये लेक्चर्स नहीं बेटे यहां पे डाले, आपको समझाने के लिए डाले हैं। तो मैं उस फ्लो चार्ट के बाद हल्का सा कंपनी एक्ट 2013 की इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। मुझे पता है आप महान है कंपनी एक्ट में, लेकिन मैं कंपनी एक्ट पढ़ा थोड़ी रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि हम थोड़ा सा कंपनी एक्ट पढ़ेंगे विच इज एप्लीकेबल टू ऑल द टाइप्स ऑफ कंपनीज एंड आई विल रीड इश्यू एंड ट्रेडिंग, यू नो दिस एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो आप लिखें नेक्स्ट पॉइंट में लिखें। एक बच्चा कहता 27वां पॉइंट, मैंने 10 बार कह दिया आप अपने नंबर डाल दो, नंबरिंग गलत हो गई है। 27वां पॉइंट, ये पॉइंट, नींद आ रही है उस बच्चे को। कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 बेटा मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा सबके बारे में, फिर हम मानेंगे कि हमारे को बेसिक कंसेप्ट समझ आ गए। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज। दिस एक्ट ऑल्सो कंटेन्स प्रोविजंस इन रिगार्ड टू, बड़ी सारी है लेकिन मैं सिक्योरिटीज लॉस के पेपर में खाली आपको इश्यू एंड ट्रेडिंग की प्रोविजंस ही कराऊंगा। मैं आ गया जी नेक्स्ट एक्ट में, मैं आ गया जी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। बड़ा प्यारा सा एक्ट है, आपको पता है फिरंगी, हमारे फिरंगी जो थे, जो फिरंगी मतलब जो हमारे देश को जिन्होंने इतने साल गुलाम रखा बेटे, वो जाते जाते ना एक एक्ट बना के गए थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर एक व्यक्ति एक ऑफरर है दूसरा एक्सेप्टर है, वो आपस में एग्रीमेंट करते हैं, तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आएगा। बट अगर एक कंपनी सिक्योरिटीज इशू करती है और दूसरा व्यक्ति अपने पैसे इन्वेस्ट करता है, तो इट इज नॉट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट इज एज पर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। तो बेटे अलग से एक एक्ट बना 1956 में जिसका नाम डाला गया सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट।
तो बेटे थोड़ा सा दो तीन लाइनें लिखनी है, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप दो तीन लाइनें लिख दोगे। SCRA ऑल अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन बिटवीन इन्वेस्टर एंड अ कंपनी, बिकॉज कंपनी इज एक्सेप्टिंग द मनी एंड कंपनी इज इशूइंग द सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ दैट। So a new, there is an agreement, there is a contract between these two persons. And how, what are the provisions, how this agreement, this contract is to be regulated? For that, a new law is there named as Securities Contract Regulation Act. Naam kya hai? Securities, equity, preferred, debenture, sab contracts. Agar aapne securities ka contract kiya. ठीक है जी, an investor applies for publication in a company and company allots share to an investor, so this contract is named as Securities Contract Regulation Act, provisions will be applicable. तो हम इस provisions को पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, बेटे मजा आ जाएगा जैसे मैं कराऊंगा, रियलिटी के साथ जोड़ के बताऊंगा। तो प्लीज आप हल्की सी इंट्रोडक्शन लिख लेना सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के बारे में। मैं आ गया जी नेक्स्ट, सीबी बड़ा बड़ा पापा खूंखार व्यक्ति, मैं देखूंगा कि सेबी आया क्यों, सेबी का जन्म 1992 में क्या खत्म होके आया, सेबी का जन्म हुआ क्यों। बेटे मैंने अभी बताया कि आपके सामने हर्षद मेहता, आपके सामने केतन पारिक, आपके सामने सत्यम, ऐसे बड़े सारे स्कैम हो जो मैंने आपको अभी बताया भी नहीं, और उसके बाद मैंने कहा ज्यादा ज्यादा धर्म से, बेटे इसका जन्म हुआ क्यों और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारा हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज। लेकिन दो तीन लाइनें लिखे, मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में आज बताऊंगा कि इसका स्ट्रक्चर 1992 में ही क्यों बना। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे और नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। बेटे उस समय इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट लाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। बेटे उस समय था कैपिटल इशू, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज, उस समय इतना ज्यादा प्राइवेटाइजेशन था, मतलब ज्यादा प्राइवेटाइजेशन नहीं था, तो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू का थोड़े बहुत काम हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही नया कंसेप्ट आया ग्लोबलाइजेशन का, तो हमें लगा कि कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू काम कर नहीं पाएगा, इसलिए हमने सेबी एक्ट बना दिया। तो अभी देखेंगे, आप पहले लिखें सेबी, सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू एडमिनिस्ट्रेट कंपनीज एज पर लिस्ट वन। अब बेटे हमारे पार्लियामेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन लिस्ट है, मान लेते हैं लिस्ट वन बेटे जहां पर पावर्स दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, लिस्ट टू जहां पे पावर्स दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को, और एक है कॉन्करेंट लिस्ट जहां पे स्टेट और सेंट्रल दोनों के पास पावर। लेकिन बेटे कंपनीज एक्ट में लिस्ट वन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू एडमिनिस्टर ऑल द कंपनी अफेयर्स, और इस लिस्ट वन की पावर के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई बेटे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई और एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी बनाई। एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब है कि इस लॉ को, इसको सिक्योरिटीज लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए बेटे बेटे रीजनल डायरेक्टर्स बनाए, 7 रीजनल डायरेक्टर्स अभी देखेंगे, नॉर्थ के, ईस्ट के, वेस्ट के, साउथ के, फिर नॉर्थ ईस्ट के, ईस्ट वेस्ट के, साउथ ईस्ट के, वो भी देखेंगे, 7 रीजनल डायरेक्टर्स हैं और बड़ी सारी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बनाई। इसका मतलब एक पब्लिक कंपनी छोटी सी है, एक प्राइवेट कंपनी छोटी सी है और एक रिलायंस है, उन सभी को एग्जीक्यूट करने के लिए चीजें बनाई गई। लेकिन उस जमाने में कैपिटल इशू कंट्रोल, कैपिटल कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज था, मैंने अभी भी बताया 1991 में उसको अबॉलिश कर दिया गया और 1992 में सेबी आ गया। अभी देखते हैं, आप इसके नीचे आ जाइए और जरा सा देखिए मैंने क्या लिखा है बेटे, बहुत प्यारी सी बातें लिखी है सेबी के लिए, आप हैरान हो जाएंगे ऐसी नॉलेज जब आपको मिलेगी। और आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेबी एज पर लिस्ट वन, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ पावर टू एडमिनिस्ट्रेट द अफेयर्स, तो बेटे MCA एक अलग से मिनिस्ट्री बना दी गई कॉर्पोरेट अफेयर्स को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, और इसकी दो बॉडीज बना दी गई, एग्जीक्यूटिव एंड क्वाजी जुडिशियल। क्वाजी जुडिशियल क्या होती है, होती जुडिशियल ही है लेकिन उतनी पावर्स नहीं होती जितनी जुडिशियल बॉडी को, जैसे हाई कोर्ट को जो पावर्स हैं कुछ होती है, क्रिमिनल पावर्स नहीं होती इसके पास। ठीक है, अभी देखेंगे कंपनीज में 7 रीजनल डायरेक्टर्स बनाए गए, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, पीले रंग से मैंने हाईलाइट किया है, और उस जमाने में लिस्टेड कंपनी के लिए होता था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, उसको 1991 में खत्म कर दिया। और देखेंगे 7 रीजनल डायरेक्टर्स हैं और रजिस्टर ऑफ कंपनीज बनाई गई, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, देखिए मैंने इसको निकाल के भी दिखाया आपके लिए सेबी, और ये देखिए रीगल, लीगल को अगर आप देखें तो एक्ट, बेटे सेबी की साइट में जरूर जाए, मैं ऑनलाइन हूं,
बेटे मैं सेबी की साइट में गया हूं, ये देखिए रेगुलेशंस, मैंने रेगुलेशंस को प्रेस किया। अब आप देखना कि कितनी सारी रेगुलेशंस बनाई गई है और हमें तो 11 ही करनी है बेटे, सारी रेगुलेशंस हैं 2019 में, 2015 में, 2000 कितनी सारी बनाई है, देखो ये देखो बेटे, ये देखो बेटे, बेटे रेगुलेशंस के साथ साथ उसकी इन्फोर्समेंट इंपॉर्टेंट है, फाइलिंग इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट्स, स्टेटस, सब चीजें आपको थोड़ा सा देखना है। उसके बाद मैंने आपको ये बताना है कि एक मनी कंट्रोल इसकी आ रही है, ये देखिए ये रीजनल डायरेक्टर है बेटे, ऑफिसेज है, मैंने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट निकाला गूगल से। आजकल गूगल में हर चीज अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन लिंक करना एक इंफॉर्मेशन को दूसरी से, उसके लिए दिमाग चाहिए। तो बेटे जा रहे रीजनल डायरेक्टर्स बनाए। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1992 में ऐसी जरूरत आन पड़ी कि कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू को खत्म करना पड़ा और हमें हमें नया एक लॉ लेकर आना पड़ा और उस लॉ का हमने नाम डाला सेबी एक्ट। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर मोटिवेशन, इन्वेस्टर एजुकेशन। आज आप एडवर्टाइजमेंट देखिए आपके टीवी में कितनी आती है अवेयरनेस के लिए, म्यूचुअल फंड को लेकर, स्टॉक एक्सचेंज में लेकर, कि आप ये करो, ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसा हो सकता है। तो बेटे ये सब कौन कर रहा है, सेबी कर रहा है। और जितनी भी कंपनीज हैं जिनको सिक्योरिटीज लॉस एप्लीकेबल है, वो सारे सिक्योरिटीज लॉस को इंप्लीमेंट करें, रेगुलेशंस को फॉलो करें, यही ऑब्जेक्टिव है बेटे किसका, सेबी एक्ट 1992 का। जब हम सेबी को अलग से पढ़ेंगे तो सारी बातें सीखेंगे। इसके बाद मेरे बेटे, मेरे बच्चे, आया क्या, आया बेटे क्या आ गया बेटे, आपको पता है आजकल का जमाना सारा टेक्नोलॉजी का है बेटे, उबर बेटे, ओला बेटे, बैंकिंग सिस्टम बेटे, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब कुछ आजकल आप एक छोटे से मोबाइल से सब कुछ मैनेज कर सकते हो। तो आप ये बताइए, क्या टेक्नोलॉजी हमारे स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग में नहीं आनी चाहिए थी, क्या शेयर्स को इश्यू करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज ना करें, कब तक वो फिजिकल फॉर्म रखे, कब तक कागज को संभाले बेटे, कब तक वो सिग्नेचर्स ही खराब हो जाते हैं, फॉर्म ही फट जाता है, आग लग जाती है, क्या क्या होता है बेटे फोर्जरी, आप कभी गूगल में जाकर देखें। तो एक नया एक्ट आ गया बेटे, उस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को लाने के लिए, लागू करने के लिए, कि वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा क्या, उसमें डीमैट अकाउंट कौन ओपन करेगा, उसमें क्रेडिट कब होगा, उसमें डेबिट कब होगा, उसके रूल्स क्या हैं, उसमें कंपनी कैसे इशू कर सकती है, डिपॉजिटरी एक्ट आ गया। तो बेटे एक एक्ट करना है, डिपॉजिटरी एक्ट, आप समझ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं जरूरत सभी लॉज की क्या पड़ी, और सभी एक्ट का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन करा रहा हूं। डिपॉजिटरी एक्ट कसम होगी अगर ना लिखा दो, नाउ इट इज कंपल्सरी टू होल्ड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। बेटे 2018 के दिसंबर के आसपास एक कंपल्सरी कंडीशन आ गई, नोटिफिकेशन आ गई कि आपको अब सारी सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म में रखनी है, फिजिकल फॉर्म अलाउड नहीं है। As technology is playing an important role in all the business activities, Uber, Ola, Paytm, Google Pay, net banking. So, in order to bring an electronic mechanism in issuing and trading of securities, Depository Act 1996 comes into existence. कहा था ना, यदा यदा भगवान हमेशा हमें सब कुछ दे देता है, जब जब हमें जिस जिस उम्र में जिस जिस चीज की जरूरत होती है, डिपॉजिटरी का जन्म होगा बेटे, इसमें प्रिंसिपल होगा, एजेंट होंगे, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होंगे, हम NDSL की बात करेंगे, CDSL की बात करेंगे। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आज ही पैन कार्ड के पीछे जाकर देखना, CDSL या NDSL का नाम आएगा बेटे। बड़े सारी एक्टिविटीज करती है NDSL, CDSL, आज हम उसकी बातें करेंगे। और लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं बस, उसके बाद बेटे इंट्रोडक्शन खत्म है, फिर हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं। बेसिक कंसेप्ट का लास्ट लेक्चर नंबर 3 के आखिरी लम्हे, बिल्कुल कमर सीधी करके बैठ गए बेटे। मैंने कहा किसी भी चीज को चलाने के लिए दो सिस्टम की जरूरत होती है, एक एग्जीक्यूटिव सिस्टम और एक क्वाजी जुडिशियल सिस्टम। क्या पता एग्जीक्यूशन में लोग खराब हो, ऑफिसर्स खराब हो, गलत हो, और वो गलत कर रहे हो तो आम आदमी पिसेगी। तो बेटे आम आदमी के पास राइट होना चाहिए उस एग्जीक्यूटिव बॉडी के अगेंस्ट केस फाइल करने के लिए।
तो हम कंपनीज एक्ट में जैसा देखते हैं बेटे, दो बॉडीज है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी और एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी, एक है दिल्ली गवर्नमेंट और एक है दिल्ली हाई कोर्ट। अब हम दिल्ली गवर्नमेंट और दिल्ली हाई कोर्ट की पावर्स को कंपेयर नहीं कर सकते, वी कैनॉट कंपेयर द पावर्स और राइट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी विद जुडिशियल बॉडी, करना पाप है। तो लेकिन आपको ज्ञान तो होना चाहिए कि कंपनी लॉ में एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जैसे आरडी रीजनल डायरेक्टर्स आरओसी, और एक 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 क्वाजी जुडिशियल बॉडी है बेटे एनसीएलटी, मैंने लिखा एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड एपलेट ट्रिब्यूनल, प्लीज लिखेंगे लिखेंगे बेटे लिखेंगे लिखेंगे। मैंने नोट वन में लिखा इन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर कंपनी लॉ देयर आर एग्जीक्यूटिव बॉडीज, एग्जीक्यूटिव बॉडीज में लिखेंगे आरडी मतलब रीजनल डायरेक्टर भी साथ बताए थे, आरओसी बताई थी, क्वाजी जुडिशियल बॉडी में एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी। बेटे इसी तरह सिक्योरिटीज के अंदर भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जैसे सेबी बताई, और एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है बेटे बेटे क्वाजी जुडिशियल सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल सैट, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर सिक्योरिटीज लॉस एग्जीक्यूटिव बॉडीज आर देयर एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडीज सैट इज देयर। तो बेटे आज आपको थोड़ा सा मैं ये बता, अभी बहुत सारी बातें जो मुझे बतानी है डेरिवेटिव्स के बारे में, ऑप्शंस के बारे में, स्पेकुलेशन के बारे में, मैं क्या बताऊं बेटा, बहुत कुछ बताना, मैं किस तरह से अपने आप को रोक रहा हूं बस मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन हाँ मैंने एक एटलीस्ट एक बिगनिंग कर दी, एक स्टार्ट कर दिया, एक नॉलेज दे दी, एक प्रीरिक्विजिट कर दिया कि यार ये चीज है तो बेसिक आपको पता होनी चाहिए जब आप सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट का पेपर कर रहे हैं। और अब मैं चैप्टर से स्टार्ट करूंगा, उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी, उम्मीद है कि आप सेबी एक्ट, मनी कंट्रोल, आप बीएससी, आप एनएससी, बेटे मैंने बड़ी सारी चीजें और भी निकाल के रखी हैं, अब सवाल है कि अपने पास टाइम नहीं है, हम नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं सारा कुछ गूगल के थ्रू बताऊंगा, मैं स्टॉक की लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, मैं आपका डीमैट अकाउंट खुलवाऊंगा, मैं आपके महीने के पेपर लूंगा, बेटे मैं सारा कुछ बताऊंगा, फ्लो चार्ट बनाऊंगा, बस आप मुझे खून दो, मैं आजादी दे दूंगा। बेटे आपको खून देना है, अगर आपने खून देते समय कंजूसी की बेटे, जो खून दिए ना सारा खराब हो जाएगा, क्योंकि अगले 6 महीने बाद दोबारा पेपर देने पड़ेंगे और जो पहले पढ़ाई की है खराब हो जाएगी। तो एक ही बार सारा खून दे दो, एक बार सारा खून दे दो, मैं आजादी दे दूंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आप ही का भूपेश आनंद शपथ खा करता हूं।